Hello, good evening my dear students. So welcome back to Target IES. So now let's move ahead. Okay, we have studied what? Merchant Circle Model. ठीक है, Merchant Circle Model हमने पढ़ लिया था. ठीक है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए वैलिड है? अगेन फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, राइट? ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए वैलिड है. तो टर्निंग जैसे ऑपरेशन के लिए वैलिड होगा? नहीं, टर्निंग जैसे ऑपरेशन के लिए ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि टर्निंग क्या 3D है ना? तो बट क्या है कि हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो ये देखेंगे कि जो है ऑर्थोगोनल के केस में हम उसको कन्वर्ट करेंगे. टर्निंग जो हमारा क्वेश्चन है ना, टर्निंग पे बेस्ड क्वेश्चन को हम ऑर्थोगोनल में कन्वर्ट करके फिर उसको हम मर्चेंट से सॉल्व करेंगे. मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने पढ़ा ये मर्चेंट सर्किल मॉडल, राइट? ये जो मर्चेंट सर्किल मॉडल है, मर्चेंट थ्योरी है, ये किस अजम्पशन पे बेस है, राइट? इसके कुछ अजम्पशंस होते हैं जिसके बिहाफ पे मर्चेंट मॉडल डिजाइंड है. तो माय डियर, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? कुछ अजम्पशंस. देखो, जब भी हम कोई थ्योरी लगाते तो उस पर होते हैं कुछ अजम्पशंस, अजम्पशंस ऑफ, राइट, ऑफ मर्चेंट मॉडल, राइट? सो व्हाट आर अजम्पशंस ऑफ मर्चेंट मॉडल. ठीक है, क्या अजम्पशंस हैं? यस, देखिए पहला तो जो अजम्पशन है कि मेरा जो वर्क मटेरियल या फिर वर्क पीस का मटेरियल है, दैट इज अज्यूम टू बी, देखिए अब ये अज्यूम किया गया है, गॉट द पॉइंट, दैट इज अज्यूम टू बी लाइक आइडियल प्लास्टिक. क्या मतलब है आइडियल प्लास्टिक का? बड़े ध्यान से समझिएगा. कहने का मतलब क्या है? जो वर्क पीस का मटेरियल है दैट इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल प्लास्टिक. व्हाट इज मेंट बाय आइडियल प्लास्टिक? बड़े ध्यान से समझिएगा. आइडियल प्लास्टिक वो होता है माय डियर जो कि जिसका जो कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो फ्लैट हो जाता है आफ्टर यील्ड पॉइंट. ठीक है, दिस इज द यील्ड पॉइंट, गॉट द पॉइंट? ये यील्ड पॉइंट है, राइट? तो जिस जो यील्ड पॉइंट के बाद कांस्टेंट स्ट्रेस दिखाने लग जाए फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज व्हाट आइडियल प्लास्टिक. ठीक है, बात समझ गए? तो ये अजम्पशन है अपने लिए कि जो है ये अपना आइडियल प्लास्टिक शो करेगा. मतलब क्या? आफ्टर यील्ड, बेसिकली इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है स्ट्रेस की फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, दैट विल बी व्हाट? सिग्मा वाई, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ. तो इसको बोलते हैं हम आइडियल प्लास्टिक बिहेवियर. ठीक है, और दूसरा क्या है? 2D. ये क्या है? 2D एनालिसिस चल रहा है, राइट? ठीक है, और तीसरी चीज क्या है माय डियर? तीसरी चीज ये है, इसका जो बेसिक लॉ है ना, इट इन्वॉल्व्स मिनिमम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन. मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन, ये इस पे बेस है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है? मिनिमम एनर्जी कंजम्पशन पे बेस है. मतलब कटिंग इस तरीके से हो रही है दैट इन्वॉल्व्स व्हाट? मिनिमम एनर्जी, गॉट द पॉइंट? दैट इन्वॉल्व्स मिनिमम एनर्जी. ठीक है, नाउ यहां पर टाउ एस, दैट इज द शीयर स्ट्रेंथ, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज बीटा, है ना? tan बीटा इक्वल टू म्यू होता है ना? सो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाउ एस आर बोथ कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट है. एंड सबसे बड़ी चीज क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है. ये दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट है और क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ फाई. ठीक है, एंड बेसिकली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन सिंगल शीयर प्लेन थ्योरी. इट इज बेस्ड ऑन सिंगल शीयर प्लेन थ्योरी. मतलब एक ही जो है प्लेन है, शीयर प्लेन, थ्रू विच द शीयर डिफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द अजम्पशंस यू शुड बी रिमेंबरिंग एज पर इंजीनियरिंग सर्विसेज इज कंसर्न्ड. ओके, इंजीनियरिंग सर्विसेज के मल्टीपल स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग अजम्पशंस फॉर द मर्चेंट सर्किल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. ठीक है, इस टाइप से पूछा जा सकता है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है कि वैसे तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि फाई निकालने का एक्सप्रेशन क्या है? tan फाई इक्वल्स टू व्हाट? आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फा, गॉट द पॉइंट? अब देखिए आर क्या होता है? टी बाई टी सी, और भी फॉर्म होता है, राइट? और भी फॉर्म होता है इसके, साइन फाई अपॉन कॉस फाई माइनस अल्फा. ये भी था ना, ये भी फॉर्म था ना, राइट? तो अब आर निकालने के लिए बात ये है, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आर निकालने के लिए, चिप थिकनेस रेशियो निकालने के लिए यू वांट बोथ टी एंड टी सी, दैट इज अनकट चिप थिकनेस और चिप थिकनेस, है ना, ये दोनों ही चाहिए ना, तब जाके टी बाई टी सी निकलेगा, दैट इज व्हाट चिप थिकनेस रेशियो। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हर बार दोनों चीज़ नहीं दी जाती, ठीक है। जैसे एक चीज़ दे दी जाएगी, सपोज डेप्थ ऑफ कट दे दिया या फिर अनकट चिप थिकनेस दे दी, चलो तो चिप थिकनेस नहीं दी, राइट। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या, हर बार ज़रूरी नहीं कि आर निकाल सकें आप, क्योंकि जब तक देखो आर गिवन नहीं होगा तब तक आप फाइव नहीं निकाल सकते, राइट। तो ऐसे मौके पर जब आपको लग जाए कि भैया आर यहाँ से तो सॉरी यहाँ से फाइव नहीं निकल सकता, इस फॉर्मूले से जो है फाइव नहीं निकल सकता, तब ही आप बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तभी आप जो है जो मर्चेंट का रिलेशन है उसको फॉलो कीजिएगा, तभी कीजिएगा, अगेन आई एम सेइंग तभी कीजिएगा जब आपको ये लगे कि हम फाइव इससे नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन वैसे तो फाइव निकालने का प्राइमरी फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर उसके बाद भी आप यहाँ से नहीं निकाल पा रहे हैं तभी आप कूदेंगे मर्चेंट वाले मॉडल की तरफ। और देखिए मर्चेंट का रिलेशन क्या कहता है, 2φ प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू वॉट 90 डिग्रीज। So this is as per the merchant model. This is as per merchant model which involves minimum energy consumption. अब देखिए ये क्यों बोल रहा हूँ मैं minimum energy consumption, इसके बिहाफ पे ये निकल के आया, चल मैं आपको बताऊँ, ठीक है। तो इसको प्रूफ करें अपन, देखिए ध्यान से इसको प्रूफ करते हैं कि ये रिलेशन आया कैसे। See here my dear students, इधर देखिए ध्यान से, देखिए एनर्जी या पावर, देख लीजिए पावर कंज्यूम्ड इन कटिंग विल बी वॉट, ठीक है। देखिए एनर्जी या फिर हम बोलते हैं पावर कंज्यूम्ड इन कटिंग, पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, तो कटिंग फोर्स इंटू वॉट कटिंग वेलोसिटी लिख सकते हैं कि नहीं, यहां तक बात ठीक है, पक्का, कटिंग फोर्स इंटू कटिंग वेलोसिटी, बहुत बहुत सिंपल है, यहां तक सही है, यहां तक ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे टाइम पे कटिंग करनी, मतलब ऐसे कंडीशंस में कटिंग करनी है, सो दैट मेरा जो पावर कंजम्पशन है इन कटिंग दैट शुड बी व्हाट मिनिमम, ठीक है। तो मुझे इसको ही करना है क्या, मिनिमाइज, ठीक है। नाउ व्हाट इज एफसी, ध्यान है, एफसी का एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, पीछे पलट के देखो क्या था, आर कॉस बीटा माइनस अल्फा था, ठीक है, ध्यान आ गया, इनटू व्हाट वी, ठीक है, इक्वल्स टू आर। अब आर की वैल्यू क्या थी, टाउ के टर्म्स में, शीयर स्ट्रेंथ के टर्म में टाउ एस बी टी, ध्यान आ रहा है कि नहीं, अपॉन साइन फाइ कॉस फाइ प्लस बीटा माइनस अल्फा, ध्यान आ रहा है कि नहीं, राइट, एंड देन कॉस बीटा माइनस अल्फा इनटू व्हाट वी, गॉट द पॉइंट, यहां तक ठीक है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्या, पावर इन्वॉल्व इन व्हाट कटिंग, यहां तक ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी जो कि कांस्टेंट है ना, एज पर मर्चेंट सर्किल, ये कांस्टेंट, ठीक है। और ये क्या है, अनकट चिप थिकनेस, है ना, ये भी कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट, ध्यान आगे अपन ने देखा था ना, टाउ एस और बीटा आर कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दिस फाइ, ठीक है। तो ये भी कांस्टेंट, रेक एंगल तो वैसे ही कांस्टेंट है, कटिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो अपने पास में वेरिएबल क्या, अल्टीमेटली अपने पास में वेरिएबल है क्या, फाइ। तो अपने पास में यहाँ पर वेरिएबल क्या है, फाइ, राइट। और देखो ध्यान से आप एक चीज अगर देखें तो न्यूमरेटर, अगर आप देखो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट बना हुआ है, डिनोमिनेटर वेरिएबल है, फाइ है ना, डिनोमिनेटर में फाइ आ रहा है, बेसिकली डिनोमिनेटर वेरिएबल। तो मुझे क्या करना है, पावर को करना है क्या, मिनिमाइज, कम से कम पावर खर्च हो ना, तो वो करना है मुझे मिनिमाइज। सो फॉर दैट dP अपॉन dφ इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो फॉर द मिनिमम पावर, दैट्स इट, समझ में आया, ओके। नाउ अब इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर क्या, न्यूमरेटर तो क्या है, कांस्टेंट। तो कुल मिला के मुझे इस पे काम करना है। देखिए अब वापस से वही चीज देखिए, अगर कटिंग पावर को मुझे करना है मिनिमाइज, तो उसके लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो मेरा डिनोमिनेटर यदि मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो भी मेरा पावर मिनिमाइज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट। तो सिंपली व्हाट आई विल डू इज आई विल डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, राइट, एंड पुट इट इक्वल टू व्हाट, जीरो। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। देखो साइन फाइ का, इसको प्रोडक्ट रूल से कर लेंगे, साइन फाइ टू कॉस ऑफ फाइ प्लस बीटा माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा कॉस फाइ प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, ठीक है, गॉट दी पॉइंट, कॉस का माइनस साइन होता है ना, इंटू साइन 5 शुड बी इक्वल टू वॉट, जीरो, ठीक है। तो कॉस 5, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस साइन 5, साइन 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसका मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा शुड बी इक्वल टू वॉट, जीरो। दैट मीन्स कॉस ऑफ 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू वॉट, जीरो। अब मुझे बताइए आपके कौन सी वैल्यू के लिए कॉस जीरो होता है? ऐसे तो इन्फाइनेट वैल्यूज के लिए जीरो होता है, बट माय डियर हमारे जो फाइव है, बीटा है, अल्फा है, ये सब क्या आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब क्या, 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा भी मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। सो देयरफॉर 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा कौन सी वैल्यू के लिए 90 आता है, सॉरी जीरो आता है, 90 डिग्रीज, विच इज ऑल्सो π/2 इन रेडियंस। प्रूव हो गया कि नहीं? यहाँ से प्रूव हो गया। देखो इज दैट क्लियर? तो यहाँ से निकल के आता है कंसेप्ट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज बेसिकली व्हाट इन्वॉल्व मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल, है ना, मिनिमम एनर्जी प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो रहा है, तभी यहाँ से रिलेशनशिप ये आता है। बट माय डियर अगेन मैं कह रहा हूँ फाइव के लिए ये तो बाद में, इट इज द लास्ट रिजॉर्ट, ये बाद में यूज़ करना है, तभी जब यूज़ करना है जब आप आर कॉस अल्फा अपॉन 1 माइनस आर आर साइन अल्फा से नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी है, तभी आप फिर क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है बात यहाँ तक? तो ये था माय डियर क्या है आपका मर्चेंट मॉडल। देखिए मर्चेंट मॉडल एक चीज़ पे बेस है एक्चुअली। जो मर्चेंट मॉडल है ना, मर्चेंट ने सिर्फ शीयर फेलियर को कंसिडर किया, गॉट द पॉइंट। बट अब क्या है, मर्चेंट की जो थ्योरी है उसको रिफाइन किया गया बाय मोहर। सो देयरफॉर वी विल बी नाउ डीलिंग विथ मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी गिवन बाय मोहर। देखिए माय डियर ये रिलेशनशिप अक्सर क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता है, बट आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि अब इसके केस में क्या है, इन्होंने नॉर्मल स्ट्रेस को भी अकाउंट में लिया। नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, नॉर्मल स्ट्रेस इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है। तो अब यहां पर जो शीयर स्ट्रेस है दैट इज द टाउ एस विल बी इक्वल टू टाउ एस नॉट प्लस के सिग्मा एस, ठीक है। सिग्मा क्या है, नॉर्मल, एंड टाउ एस नॉट क्या है, स्टैंडर्ड शीयर स्ट्रेस, राइट। सो स्टैंडर्ड शीयर प्लस व्हाट, के टाइम्स सिग्मा एस। सो देयरफॉर ही बेसिकली उसने क्या किया, उसने नॉर्मल स्ट्रेस को भी कंसिडर किया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, बात सही है कि नहीं। जहां पर नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा एस, मतलब नॉर्मल शीयर स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज नॉर्मल फोर्स, ध्यान है एफएन आ रहा था एक टर्म, ठीक है। तो एफएन अपॉन व्हाट, एएस, एएस मतलब शीयर एरिया। तो ये है यहाँ पर सिग्मा एस, सिग्मा क्या नॉर्मल, टाउ क्या शीयर, ठीक है पॉइंट, यहाँ तक बात। तो इसको ध्यान में रखते हैं मॉडिफाइड मर्चेंट थ्योरी आया, मोहर लेके आया इसको, और इस वजह से माय डियर अब जो ये रिलेशनशिप आया ना 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा 90 डिग्री, अब ये जो निकल के आ जाता है, अब ये निकल के आता है 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, सी। इट इज सम कांस्टेंट, बेसिकली ये जो कांस्टेंट होता है दैट इज कॉट इनवर्स के। ये वाला के जो है ना कांस्टेंट, दैट इज बेसिकली व्हाट, कॉट इनवर्स के। ये वो के है, ये जो कांस्टेंट वाला के है, विच इज मल्टीप्लाइड विद सिग्मा। तो ये है 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू सी इक्वल टू व्हाट, कॉट इनवर्स के। गॉट द पॉइंट? वेयर सी जो है, ये वाला जो सी है ना, इस सी को हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, सी को हम बोलते हैं मर्चेंट मशीनेबिलिटी कांस्टेंट, मर्चेंट मशीनेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और सी जो है माय डियर अगेन ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। सी बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ वर्क पीस, अगेन योर मशीनिंग टूल कैसा है, लाइक दैट, ठीक है। तो सी आता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। गॉट द पॉइंट? तो बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो है शीयर के अलावा नॉर्मल स्ट्रेस को भी पिक्चर में लिया गया है। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों आता है, ड्यू टू नॉर्मल फोर्स। ध्यान है एफ एन कौन सा था, एफ एन वो वाला कॉम्पोनेंट था ना, एफ एस का परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ध्यान आ गया। तो उसकी वजह से भी क्रिएट होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। इसकी वजह से भी इन्होंने क्या किया, फेलियर को काउंट किया, जबकि मर्चेंट ने सिर्फ और सिर्फ शीयर को काउंट में ले लिया। उन्होंने क्या कहा, नॉर्मल को निग्लेक्ट कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया गया इसको, बात ठीक है। तो इसलिए एक्सप्रेशन में ये वाला चेंज आया। बस इसको ही ध्यान रखना है। अच्छा माय डियर, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर कौन सा मतलब इक्वेशन अप्लाई करें। देखिए अभी भी अगर आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा से नहीं होता है तब भी आप जो कॉमनली यूज्ड जो एक्सप्रेशन है वो यही है, मर्चेंट वाला ही यूज कीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ ली शेफलर मॉडल, एक और मॉडल है दैट इज ली शेफलर मॉडल। इन्होंने अपना थ्योरी दे दिया, इन्होंने अपनी इक्वेशन दे दी, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप सिर्फ कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मतलब जब तक कि आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा नहीं अप्लाई हो पाए तब जाके आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हाँ वो बात अलग है, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया जाए कि नहीं आप ली शेफलर ही लगाइए, ठीक है, यूज ली शेफलर मॉडल, तब जाके हाँ आपको फिर यही यूज करना है। अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज स्टेटेड आपको क्या करना है, मर्चेंट सर्कल मॉडल, ये वाला मर्चेंट इक्वेशन ही यूज करना है। अब क्या है माय डियर, ली शेफलर मॉडल क्या करता है, देखो इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, इन्होंने क्या करा, बॉडी को क्या माना, आइडियल रिजिड प्लास्टिक बॉडी, बॉडी को क्या माना ना, आइडियल रिजिड प्लास्टिक, मतलब क्या है जिसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है ना उसको कुछ इस तरीके से आते हैं, ठीक है। देखिए यील्ड पॉइंट उस पहले केसेस में ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, यहाँ पर सडन देयर इज अ पॉइंट दैट इज द यील्ड पॉइंट एंड यहाँ से फिर स्ट्रेस की वैल्यू जो है लीनियरली इंक्रीज होती है विद स्ट्रेन, राइट। सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज आइडियल, ओके, रिजिड प्लास्टिक। रिजिड क्यों है, क्योंकि रिजिड इसलिए माय डियर, रिजिड क्या होता है, रिजिड ये होता है ना कि जब जितना ही आप उस पर फोर्स लगा लें द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स है ना डज नॉट चेंज, मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, उसी को बोलते हैं रिजिड। तो देखिए यहाँ पर सडनली देयर इज अ स्ट्रेस कमिंग अप सडनली, राइट, सो देयरफॉर इट इज व्हाट, रिजिड। बाद में क्या हो रहा है, प्लास्टिक बिहेवियर शो हो रहा है ना, राइट। सो देयरफॉर आइडियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक बिहेवियर है दैट इज लीनियर, ओके, अदरवाइज कोई भी मटेरियल एज सच लीनियर बिहेवियर शो नहीं करता है, इट इज समवॉट कर्व, जो एक्चुअल जो कर्व आता है ना आपने, चलिए हम फॉर्मिंग में भी देख लेंगे, बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी है कि वैसे जो कर्व आता है इस टाइप से आता है, ठीक है। ये है यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट तक जो है ग्राफ स्ट्रेट रहता है, उसके बाद में इट शोज व्हाट, कर्वीलिनियर, राइट, इस तरह से कर्व जाता है। ये इलास्टिक बिहेवियर है, ये प्लास्टिक बिहेवियर है, राइट, इट इज प्लास्टिक रीजन, दिस इज इलास्टिक रीजन, और इसकी इक्वेशन जो होती है के एप्सिलॉन टू द पावर एन होती है, इसकी इक्वेशन सिग्मा इक्वल्स टू के एप्सिलॉन टू द पावर एन होती है, गॉट द पॉइंट। तो ये पावर एक्सपोनेंशियल लॉ शो करता है, ये है एक्चुअल बिहेवियर, बट लीनियर क्या है, आइडियल बिहेवियर। सो देयरफॉर इट इज व्हाट, आइडियल रिजिड, इसलिए क्योंकि देखिए फॉर नो स्ट्रेन देयर इज सम सडन जंप इन द स्ट्रेस लेवल, तो ये क्या है, रिजिड, राइट, उसके बाद में शो हो रहा है प्लास्टिक। सो देयरफॉर आइडियल रिजिड प्लास्टिक बिहेवियर है, ठीक है। और ये जो बेस होता है माय डियर, ये जो थ्योरी है इसके बारे में देखिए डिटेल में नहीं जानना, बेसिकली दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन स्लिप लाइन फील्ड थ्योरी। अब ये क्या होता है, देखिए ये मटेरियल साइंस का टॉपिक है और बेसिकली उसमें भी थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो ये पढ़ते ही नहीं एक्चुअली, स्लिप लाइन फील्ड, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि डोंट नीड टू गो इनटू दिस मच डिटेल्स, बस ली शेफलर मॉडल क्या होता है ध्यान रखिएगा। और हाँ ये भी इक्वेशन ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमसे न्यूमेरिकल हो जाए, तो न्यूमेरिकल के लिए अब आप जो ध्यान करेंगे ली शेफलर इक्वेशन, ठीक है, जो ली शेफलर मॉडल होता है, तो अब इसका जो इक्वेशन होता है ना 5 + β - α = 45 डिग्रीज। देखिए मर्चेंट में क्या था 2 φ + β - α = 90 डिग्रीज, अब इसमें क्या है 2 फाइ का फाइ हो गया प्लस बीटा माइनस अल्फा तो सेम रहा, इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्रीज, बस ये फर्क है, ठीक है। यहाँ तक बात ठीक है कि नहीं, राइट, गॉट द पॉइंट। बस यही आपको करना है, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ठीक है ना, चारों मॉडल आपको क्लियर है, कौन कौन से बने पढ़ा, मर्चेंट पढ़ा और हाँ मॉडिफाइड मर्चेंट पढ़ा और ली शेफलर, तीनों मॉडल पढ़े, 3 मॉडल क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि ये किस पे बेस्ड है मॉडल, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ओके, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी फिर मैं आपको कह देता हूँ अनटिल अदरवाइज स्टेटेड आपको फाई निकालने के लिए, मतलब शेयर एंगल निकालने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है। अगर आप आर कॉस अल्फा अपन 1 माइनस आर साइन अल्फा से नहीं कर पा रहे हैं, तब जाके आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, आपको मर्चेंट वाली ही यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिएगा, अगर बोला गया ली शेफलर यूज करना है तो फिर उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी के लिए इक्वेशन तो आप सभी याद कीजिएगा, गॉट इट, आपको इक्वेशन तो सारी याद करनी है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक बात सही है? ओके, चलिए अब क्या करते हैं, हमने फोर्सेस देखे थे, ध्यान है मर्चेंट सर्किल में हमने फोर्सेस देखे थे, वी लुक्ड इनटू डिफरेंट फोर्सेस राइट, कटिंग जो है नॉर्मल फ्रिक्शन एंड ऑल दैट सारे देखे थे। जरा मैं काम करता हूँ, फिर से मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाता हूँ और फटाफट से क्या करते हैं, हम फोर्स के इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। राइट, बहुत ही सिंपल है डिराइव करना फोर्स के इंटर रिलेशनशिप, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बड़े ही ध्यान से इसको देखिएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लुक एट हियर वेरी केयरफुली, ये मर्चेंट सर्किल, ध्यान आ गया आपको, ये मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाया मैंने। ठीक है, अच्छा अब क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग डायनामोमीटर की मदद से कौन कौन से फोर्सेस मेजर कर पाते हैं। यस, बेसिकली डायनामोमीटर से हम लोग दो ही फोर्स मेजर कर पाते हैं, कटिंग फोर्स और उसका नॉर्मल जैसे FT जो है, FT थ्रस्ट, तो यही दो फोर्स कंपोनेंट हम लोग मेजर कर पाते हैं। तो बाकी फोर्सेस का क्या, देखिए बाकी फोर्सेस का ऐसा है मर्चेंट सर्किल की मदद से मेजर कर लेते हैं। राइट, तो उसके लिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में भी दो ही फोर्सेस दिए जाते हैं, कौन सा, FT FC कटिंग और दूसरा उसका नॉर्मल दैट इज FT थ्रस्ट, और पूछा जाता है बाकी फोर्सेस निकालिए। राइट, बाकी मतलब फ्रिक्शन, एन शीयर फोर्स, शेयर फोर्स, नॉर्मल शेयर फोर्स राइट, उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो वाला, तो इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो फॉर दैट हमें क्या देखना है, हमारा पर्पस क्या है इस टॉपिक में, मतलब इसमें कि हमारे जितने भी बाकी चार फोर्सेस है ना, उसको हमको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ FC एंड FT, FC और FT के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्वेश्चन में क्या ही दिया जाएगा, दो ही फोर्सेज दिए जाएंगे, FC और वॉट F कटिंग फोर्स और FT दिया जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, फ्रिक्शन फोर्स की। लेट अस टेक, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स को देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कटिंग फोर्स एंड दिस थ्रस्ट फोर्स। देखो माय डियर, उसके लिए कुछ नहीं करना, देखो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करेंगे, FC और FT इन दोनों के ही ना इस पे कंपोनेंट ले लेंगे। कहने का मतलब क्या है, ये देखो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? अब करना क्या है, अपना टास्क क्या रहेगा, टास्क अपना ये है कि फ्रिक्शन फोर्स निकालना है मुझे इन टर्म्स ऑफ कटिंग, ये रहा कटिंग एंड व्हाट दिस इज थ्रस्ट। तो करना क्या है, मुझे टास्क ये है जो भी फोर्स निकालना है उस पर आप क्या कीजिए, उस पर आप कंपोनेंट ले लीजिए फॉर कटिंग एंड थ्रस्ट। मतलब जैसे ये जो है ना कटिंग फोर्स, कटिंग फोर्स का इस पे कंपोनेंट क्या होगा, कटिंग फोर्स का इस पे कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन, एक तरीके से प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ओवर दिस वेक्टर राइट। तो मतलब कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है, कंपोनेंट। तो कटिंग फोर्स का कंपोनेंट ओवर दिस क्या हो जाएगा, FC cos, cos ही तो होगा ना, देखो FC cos, cos ऑफ दिस एंगल और नॉट, गॉट द पॉइंट। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, FC का प्रोजेक्शन लेना है। देखो FC की जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो परछाई गिरेगी, ऐसे गिरेगी ना राइट। सो प्रोजेक्शन ऑफ FC विल बी दिस मच एंड बचा हुआ FT, FT का प्रोजेक्शन विल बी दिस मच और नॉट। तो देयरफॉर जो FF होगा दैट विल बी, जो FF होगा FF दैट विल बी व्हाट, समेशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ FC एंड FT ऑन दैट ऑन फ्रिक्शन। समझ में आया? अब कटिंग फोर्स का प्रोजेक्शन इस पे क्या होगा, FC का कॉस ऑफ दिस एंगल। तो दिस एंगल क्या है, देखो ये बीटा माइनस अल्फा है और ये क्या है 90 माइनस बीटा, ये बीटा माइनस अल्फा है तो ये 90 माइनस बीटा था ना, क्योंकि ये बीटा था ये 90 था, तो ये बचा हुआ एंगल क्या 90 माइनस बीटा। तो बेसिकली FC कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, बात समझ आई? ये हो जाएगा FC कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा। ठीक है, प्लस आएगा क्योंकि प्लस इसलिए आएगा क्योंकि बात यह है कि फ्रिक्शन फोर्स पे अपन कंपोनेंट ले रहे हैं ना कटिंग और थ्रस्ट के, तो कटिंग फोर्स का प्रोजेक्शन ये आ जाएगा, सो दिस प्लस थ्रस्ट फोर्स का प्रोजेक्शन दिस ये वाला आ जाएगा, तो दिस प्लस दिस, इसलिए प्लस आया। बात समझ गए? ये समझ में आया आपको ये कैसे लिखा मैंने, कटिंग फोर्स का कॉम्पोनेंट लिखा ओवर दिस फ्रिक्शन फोर्स। तो FC का cos ऑफ दिस एंगल है ये पूरा एंगल, ये जो मैंने दिखा है, तो ये पूरा एंगल किसके बराबर है, बीटा माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, उसका cos। ठीक है, अब इसको देखो, ध्यान से। तो जो है आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक cos है ना, ऐसे याद रखो, सुनो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखो अगर एक cos आए ना तो दूसरा उसका साइन आएगा, अगर एक साइन आएगा तो दूसरा कॉस आएगा, सिंपल है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ध्यान रखेंगे, अगर एक कॉस आया दूसरे के साथ में साइन आएगा, तो प्लस आएगा एफ टी वॉट साइन ऑफ, बट एंगल सेम रखना, याद रखना एंगल सेम रखना है, एंगल में चेंज मत करना, एंगल सेम रहेगा, बट एक अगर कॉस तो दूसरा साइन, बस यही करना है। तो साइन ऑफ सेम एंगल क्या, बीटा माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, यहाँ तक ठीक है। तो एफ सी देखो, बीटा बीटा कैंसिल, तो अब क्या है cos ऑफ 90 माइनस अल्फा, cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस राइट एफ टी, ये क्या आ जाएगा, अगेन बीटा बीटा कैंसिल, 90 माइनस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा cos अल्फा। सो बेसिकली दिस इज व्हाट फ्रिक्शन फोर्स इन टर्म्स ऑफ कटिंग फोर्स एंड थ्रस्ट फोर्स। समझ में आई बात, समझ में आए किस तरीके से करना है। चलो अब एक काम करते हैं, इसका जो नॉर्मल कॉम्पोनेंट है उसको देख लेते हैं। अब जो इसका नॉर्मल कॉम्पोनेंट दिखाई दिया, कौन सा नॉर्मल है, ये वाला, ठीक है। अब देखो ये निकालना है मुझे अगेन नॉर्मल फोर्स एन इन टर्म्स ऑफ अगेन कटिंग एंड थ्रस्ट, ठीक है। तो एक काम करो, सबसे पहले कटिंग फोर्स का अगेन कॉम्पोनेंट लो इस पे, ठीक है। तो जो कटिंग फोर्स का कॉम्पोनेंट होगा माय डियर, वो आपको नहीं लगता थोड़ा बड़ा आ जाएगा इनसे, ये देखो कटिंग फोर्स का जो कॉम्पोनेंट होगा वो ऐसे गिरेगी ना परछाई इसकी, ऐसे नॉर्मली, तो आपको नहीं लगता ये बड़ा सा आएगा कॉम्पोनेंट, ठीक है। कटिंग फोर्स का जब आप इस पर परछाई गिरेंगे, मतलब नॉर्मल पे एन पे, तो इतना बड़ा नहीं आएगा, राइट, यस। तो इसका मतलब है दैट विल बी व्हाट, प्रोजेक्शन ऑफ एफ सी ऑन दिस, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा माय डियर, माइनस क्या करना पड़ेगा, एफ टी का प्रोजेक्शन ऑन दिस। अब देखिए एफ टी का प्रोजेक्शन ऑन दिस ये हो जाएगा ना, एफ टी ये है, एफ टी का प्रोजेक्शन इस पे ये होगा कि नहीं, तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या था, एफ सी का प्रोजेक्शन ऑन एन माइनस एफ टी का प्रोजेक्शन ऑन दिस, ये हो जाएगा। तो दिस माइनस दिस होगा इस बार, समझ में आया, ठीक है, बात समझे यहाँ तक ठीक है कि नहीं, राइट। तो अब जो है लिखते हैं एफ सी का कॉम्पोनेंट ओवर दिस, तो क्या हो जाएगा कॉम्पोनेंट, बता सकते हैं, यस, कैन यू टेल मी, बता सकते हैं कि नहीं। देखो ध्यान से, उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा एंगल देख रहे हैं, अब आपको ध्यान है कि ये वाला एंगल क्या था, रेक एंगल था कि नहीं, ठीक है। ये वाला देखो रेक एंगल था अल्फा, तो ये वाला भी था अल्फा, ठीक है, ये अल्फा, तो जो है ये 90 बीटा, तो ये 90 माइनस बीटा, तो ये था बीटा माइनस अल्फा, राइट, ये बीटा माइनस अल्फा था। अगर ये बीटा माइनस अल्फा था, ठीक है, तो इससे क्या होगा, या फिर वी शैल डू वन थिंग, एक काम करते हैं कि ऐसे अगर लेने में एफसी को लेने में मुश्किल आ रही है, तो एक काम करते हैं ना, एफटी का ले लेते हैं। देखो समथिंग यहां पर माइनस आएगा, ठीक है, तो माइनस क्या आएगा, एफटी का कॉम्पोनेंट आएगा ना इधर, एफटी का परछाई आएगी ना इधर, तो एफटी का ले लेते हैं। अब देखो एफटी के साथ में जो भी आएगा, जैसे साइन भी आया या कॉस आएगा, तो दूसरा जो एफ सी होगा उसका कॉस आ जाएगा, साइन आएगा ना उसका उल्टा, तो एफ टी का ले लेते हैं। उसके लिए ये एंगल फाइंड आउट करते हैं, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल देख लेते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना ज़्यादा आसान है। देखो अगर ये बीटा है, तो देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये बीटा माइनस अल्फा है, दैट विल बी 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, राइट, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 180 और नॉट, तो दिस एंगल प्लस 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा शुड बी 180 और नॉट, यहाँ तक बात ठीक है। तो ये जो एंगल निकल के आएगा, एंगल मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल निकल के आएगा, आप देखना 90 माइनस अल्फा निकल के आएगा, ठीक है, देखना आप ये वाला जो एंगल निकल के आएगा दैट इज 90 माइनस अल्फा, तो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। तो माइनस के साथ में क्या आएगा, एफ टी कॉस 90 माइनस अल्फा, तो अगर कॉस आया यहां पर, तो यहां पर एफ सी के साथ में क्या आएगा, साइन, जो यहाँ पर अगर यहाँ पर कॉस आए तो इसके साथ में क्या है साइन, ठीक है। ऐसे ज्यादा करना आसान है ना। तो अब देखो एफ सी साइन साइन 90 माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी क्या साइन अल्फा, ठीक है। दूसरा रिलेशन निकल के आ गया यहां तक, ठीक है। चलिए अब जो है देख लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी से देखते हैं एफ एन। अब जरा एफ एन की बात करते हैं। एफ एन ये रहा, ठीक है, ये रहा एफ एन, ये वाली चीज, ठीक है। तो एफ एन क्या होगा, एफ एन विल बी वॉट, एफ एन का हम लोग अब इस पर भी हमें दो कॉम्पोनेंट लेने पड़ेंगे, एफ टी का और एफ सी का, ठीक है। अब एफ टी का कॉम्पोनेंट इस पर क्या होगा, ये होगा कि नहीं, एफ टी की परछाई एफ एन पे, यही होगा ना प्रोजेक्शन। सो दिस प्लस दिस, ये क्या निकलेगा, ये जो माय डियर बचा हुआ जो है ना ये कुछ नहीं है, ये बची हुई जो चीज है ना ये एफ सी का कॉम्पोनेंट होगा ओवर एफ एन, ये कुछ नहीं है, ये जो चीज है ना बची हुई दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ एफ सी ओवर एफ एन। अब देखिए माय डियर एफ सी का इस पे कॉम्पोनेंट लेना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं एफ टी का ले लेते हैं, ठीक है। तो एफ टी का कॉम्पोनेंट प्लस इसका कॉम्पोनेंट, समझ में आया, क्योंकि एफ टी का ये बचा ये रहा ना कॉम्पोनेंट, तो ये बाकी बचा हुआ क्या होगा डेफिनेटली वो एफ सी का ही कॉम्पोनेंट होगा। तो अच्छी बात क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एफ टी का ले लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। अब जो भी कॉस साइन आएगा तो एफ सी कटिंग के साथ में क्या आ जाएगा कॉस साइन या कॉस, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल देखना पड़ेगा, राइट, ये छोटा एंगल, ठीक है। यहां तक तो देखो ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल था, ये पूरा एंगल क्या था आपको ध्यान है, ये 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा था, ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है माय डियर। मैंने ये वाला पार्ट दोबारा बनाया, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोबारा बनाया, ठीक है। ये कटिंग वाला और ये एफ टी एफ एस और एफ एन, ठीक है, दोबारा बनाया। अब देखो ये समझ में आया, ये पूरा एंगल था 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये तो ठीक है ना, राइट। ये फाई था, ये बीटा माइनस अल्फा था, यहाँ तक समझ गए। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखो क्या होगा, देखो 90 माइनस फाई प्लस बीटा माइनस अल्फा होगा कि नहीं। तो ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, ये बचा हुआ एंगल जो होगा दैट विल बी 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस फाइव प्लस बीटा माइनस अल्फा, यहाँ तक ठीक है। तो 90 माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 90 प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस